हेलो क्लास टेंथ, क्लास टेंथ आपको लास्ट वीडियो में क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए गए थे, क्लियर है? आपका 10.4 एक्सरसाइज में जिस टाइप का क्वेश्चंस है उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, कुछ फॉर्मूला आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहले से आपको पता है cos x sin का रेसिप्रोकल होता है cos x थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा, तो sin थीटा क्या हो जाएगा 1 cos x, sec होता है 1 cos, तो cos क्या हो जाएगा 1 sec, tan 1 cot, तो cot 1 tan, cot 10 क्या होता है sin 1 cos, ठीक है, 10 होता है sin upon cos, तो cot क्या होगा cos cot हो जाएगा cos upon sin, ठीक है, ये सब आपको यूज होगा। अब इधर आ जाइए, ये फर्स्ट sin square theta plus cos square theta is equal to 1, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इसका यूज होगा sin square theta plus cos square theta is equal to 1। अगर यहां से आप sin square theta फाइंड करेंगे तो cos square उधर जाएगा 1 minus cos square theta, और cos square theta फाइंड करेंगे तो sin जाएगा उधर, तो 1 minus sin square theta, तो इससे ये दो फॉर्मूले आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका ये होता है sec square theta minus tan square theta is equal to 1, ठीक है, अब यहां sec square theta फाइंड करना है तो tan square theta उधर चला जाएगा, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, और tan square theta फाइंड करना है तो ये माइनस में है, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा tan square theta, ये sec square theta पॉजिटिव है, 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो ये tan square theta। सेम उसी तरह cos square theta minus cot square theta is equal to 1, ये थर्ड है, यहां से cos square theta फाइंड करोगे तो 1 plus cot square theta आएगा, cot square theta फाइंड करोगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो cos square theta minus 1 is equal to cot square theta। तो ये तीन जो है लेसन, इससे ये दो दो फॉर्मूले आते हैं, टोटल 9 फॉर्मूले हो गए और ये हो गए, तो ये सब आपका यूज होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, और भी फॉर्मूलाज हैं लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, जैसे sin 2 थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा का होता है फॉर्मूला cos 2 थीटा, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इसी का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसी तरह tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 tan थीटा 1 1 plus tan स्क्वायर थीटा, तो ये सब फॉर्मूला आपके कोर्स में पहले हुआ करते थे 10th क्लास में, अब 10th से 10th में जो क्वेश्चंस हैं उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इन्हीं फॉर्मूला से हो जाएगा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं बीच में आपको बता दूंगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, अदरवाइज एग्जांपल हो एक्सरसाइज हो 10th क्लास के कोर्स में अब इसकी जरूरत नहीं है, ये हट गया है, अदरवाइज पहले तो ये भी फॉर्मूला बहुत होता था, sin a plus b क्या होता है, sin a minus b क्या होता है, ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलास आपके बुक में मिल जाएंगे कोर्स में अगर होगा, अदरवाइज कोर्स से डिटेक्ट हो चुका है पहले ही, ठीक है, तो जितने फॉर्मूले बताए गए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। अगर आपको किसी बुक से क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अगर इन सब फॉर्मूलास का यूज होगा तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आके आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी जितना कोर्स में है उतना आपको बताया जा रहा है, क्लियर है? देखिए अब ये जितने फॉर्मूलाज लिखे थे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10.4 एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, तो जहां जहां से एग्जांपल्स मुझे मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आपको जहां प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ सकते हैं फिर आगे, क्लियर है? तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ, 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, प्लस है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, ये आपको प्रूव डैट है, प्रूव डैट 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस है या प्लस है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है शायद या प्लस है, प्रूविंग में देखते हैं क्लियर हो जाएगा। अब जैसे LHS आपको लेक्चर में है, ठीक है, प्लस देखो, तो LHS लेक्चर में है, RHS प्रूव करना है, क्या करोगे, 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा है, ये आपको ले आना है, तो अब इसमें आपको प्रूविंग में sec और tan नहीं है, ठीक है, हम चाहे तो sec को 1 अपॉन cos, tan को 1 अपॉन sin अपॉन cos लिख सकते हैं, ठीक है, 1 upon cos sin upon cos लिखोगे तो वहां 1 plus sin आ जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं प्रूविंग में sec plus tan है, sec theta plus tan theta,
सेट 10 में लाना है तो आप यहाँ पे क्या करिए, रेस्पोलाइज कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप करते हो ना, यहाँ पॉजिटिव साइन है, आप नेगेटिव साइन लेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। रेस्पोलाइज में इसने बोला आप ऐसा करते थे, और रेस्पोलाइज में यहाँ पे होता था, ठीक है, तो ये रेस्पोल रहता था, रेस्पोलाइजेशन वहाँ आप पढ़े थे। यहाँ पे क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से जैसे क्या पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, क्लियर है। ये वन का मल्टीप्लाई आप करोगे यही रहेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, अपॉन ये क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आप फॉर्मूला इस सब जानते हो पहले से, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, sec थीटा का स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा, और tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा। अभी आपको जो आइडेंटिटी बताई गई, ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखा, sec 10 में क्या रिलेशन था, sec थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 1। तो आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1, तो आपका आंसर आया sec थीटा माइनस tan थीटा, यही आपको लाना था RHS, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। हमने LHS लेके चले और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो आपका ऊपर यही आया, नीचे a + b - b फार्मूला लगा ये वाला, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपका आ गया RHS, क्लियर है। तो यहां पे कौन सा आइडेंटिटी यूज हुई, यहां ये वाला यूज हुआ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका यूज आप यहां किए हो, ये पुट किए, ठीक है। तो ये आप साइड लिख भी सकते हो, सिंस करके होता है इसलिए आपने यूज किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है एग्जांपल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपको जो भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं, फिर आपको बताया जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये लाना है आपको। क्या करेंगे आप, LHS लेके चलना है, RHS वन ले आना है, ये क्वेश्चन है। अब वन ले आना है तो साइन टेन सबमिट के वन लाना है, क्या करना है आपको, आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नाम में क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। कई तरीके हैं करने के लिए, आप चाहो साइन अपॉन कॉस करके LHS वगैरह लो, लेकिन वो आप मेथड यूज करो जो सिंपल वे में आसानी से आ जाए, छोटे क्वेश्चन छोटा में हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलना है, आपको यहाँ पता है सिंस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, अभी जो आपको बताया था उसी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, LHS साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका LHS है। मैं क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस वन अपॉन ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या पुट कर सकते हो, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और वन अपॉन sec क्या होता है, cos, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही प्रूव करना था हमें, RHS हमारा 1 है, क्लियर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या पुट किया, 1 इसकी जगह sec स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन sec क्या होता है, cos, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पहले आइडेंटिटी बताया था, 1 होता है, ये है, ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस ये आप नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट, क्वेश्चन है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखते हैं कैसे करोगे, इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 प्लस साइन है, कैसे प्रूव करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस में अभी आपके लिए ले रहा हूँ,
मतलब अभी ये 10.4 के कुछ एग्जांपल्स हैं या सिंपल क्वेश्चंस में आते हैं बाय, मतलब एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा टफ लेते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 + tan² θ आपका LHS है, आप चाहो तो RHS यूज करके LHS ले आ सकते हो, LHS ले चलते हो, RHS ले आ सकते हो। तो LHS क्या है आपका 1 + tan²θ, लाना ये है। क्या करोगे, 1 + tan²θ क्या होता है, sec²θ, इसको आप क्या ले सकते हो sec²θ, ये बताया रिलेशन sec²θ - tan²θ = 1, वहां से अगर आप sec²θ निकालो क्या है 1 + tan²θ, अब sec θ को क्या ले सकते हो 1 / cos²θ, sec क्या होता है 1 / cos, अब 1 / cos²θ फॉर्मूला होता है 1 - sin²θ, क्लियर। ये कहां से आता है, sec sin²θ + cos²θ = 1 होता है, तो यहां से आप cos²θ फाइंड करोगे क्या है 1 - sin²θ, यही आपका क्या है RHS, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया LHS = RHS, क्लियर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस हैं ये सब, तो हम आ रहे हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 + प्रूव करना है, यहां भी प्रूव दैट 1 + tan²θ / 1 + sec²θ = sec θ, ये क्वेश्चन है, ये है प्रूव दैट 1 + tan²θ / 1 + sec²θ = sec θ। sec थीटा को प्रूव करना है, LHS ले चलते हैं, RHS प्रूव करेंगे, सेम प्रोसेस LHS, ये है आपका LHS, क्या करना चाहिए LHS नोट कर लो 1 + tan²θ / 1 + sec²θ, ये आपका LHS है, हमको ले आना सॉरी 1 + ठीक है, ये आपका LHS है 1 + tan²θ / 1 + sec²θ, ले आना क्या है sec θ, क्या करोगे sec में प्रूव करना है, तो आप पूरे को sec में करने की कोशिश करिए। अब 1 + sec को तो कुछ लिख नहीं सकते हो, sec को 1/cos लिखोगे तो भी LHS लोगे तो समझ नहीं आ रहा, तो यहां पे क्या फार्मूला आपको समझ में आ रहा है 1 + tan²θ को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो sec²θ - 1, और नीचे क्या है 1 + sec θ, कोई प्रॉब्लम, कहां से आया सिंस sec²θ - tan²θ = 1, बताया हम ये, तो यहां से जब आप निकालोगे tan²θ, ठीक है, tan²θ आप फाइंड करोगे जब, तो tan उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो tan की जगह क्या जाएगा sec²-1, ठीक है, इसका आप यूज करेंगे। तो या अब यहां पर आप क्या करें 1 + ये देखिए लिखा है sec²θ, और 1 को लिख सकते हो 1² sec²-1 था, 1 को 1² लिख सकते हो, तो बन गया a² - b² सही है, इसको आप देखिए ये बन रहा है sec θ² और ये 1² sec²θ मतलब sec²² और ये 1² अपॉन क्या है 1 + sec θ। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे a² - b² क्या होता है a + b sec θ, ठीक है, -1 a और sec θ + 1, और नीचे क्या है 1 + sec θ, a² - b² का मतलब क्या होता है a + b a - b यूज किए, नीचे ये है ये 1 + sec θ से ये 1 + sec कट गया, सेम है sec + 1 बोलो या 1 + sec, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा 1, अब प्लस क्या है sec - 1, 1 + sec θ - 1 ये बचा 1 + आगे बचा sec θ - 1 अभी कट हो गया, तो यहाँ पे क्या है 1 से 1 कट गया, क्या बचा sec θ, यही आपको लाना था RHS, यही प्रूव करना था, क्लियर है, ठीक है। तो कुछ ये एग्जांपल्स आपको बताते जा रहा हूँ, आप समझते जाइए, ये टॉपिक बता दिया, फॉर्मूला बता दिया,
क्वेश्चंस इसलिए बताया जा रहा है कुछ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। अगर फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए। ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ भी यहाँ करते हैं, आप यहाँ पे sec को 1/cos लिखते हैं, LCM लेते हैं तो cos plus 1/cos फिर LCM लेते आंसर आता। आप अगर प्रोसेस सही चल रहा है, फॉर्मूला आप सही लगाए हो तो भले लेंथी चलेगा लेकिन आंसर आएगा। अगर आप समझ रहे हो ज़्यादा अच्छे से तो आप शॉर्ट में कर जाओगे उसको, कि जितनी जल्दी आंसर आ सके उतना शॉर्ट प्रोसेस आप कर लेंगे। लेकिन कम समय में आ रहा है तो भी फॉर्मूला क्लियर है, आप सही फॉर्मूला से sec को 1/cos लिखते कुछ और प्रोसेस चलता लेकिन आंसर आता, ठीक है। तो आपको प्रोसेस राइट ले चलना है, आंसर आपका करेक्ट आएगा। अगर प्रोसेस करेक्ट है तो स्टार्टिंग करेक्ट है तो आंसर भी करेक्ट होगा, अगर शुरुआत में आप गलत कुछ लेट करके चल रहे हो तो आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। तो आप देखते जाइए एग्जाम को, क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लेते हैं, प्रूफ डैट, प्रूफ डैट का लेकर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। फाइन Find the value of किसकी वैल्यू, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या करोगे सॉल्यूशन, क्या करें ऐसे क्वेश्चंस में, कुछ फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं, 1/cos होता है, cos यूज 1/cosec होता है, उससे कुछ होगा नहीं, cosec अगर लिखोगे तो cosec प्लस 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। क्या यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये है, ठीक है। इसमें आप क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, ये रूट्स में कोई प्रॉब्लम, कट कर देंगे फिर यही आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ देखिए, ऊपर क्या आ रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस साइन दो बार में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट में कोई प्रॉब्लम, रूट में लिए a माइनस बी माइनस दो बार था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, a 1 है b sin थीटा है, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही है ना, ये बताया अभी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ यूज कर लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस sin थीटा होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस sin थीटा, नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। ऊपर मैंने स्क्वायर से रूट हटा दिया, स्क्वायर से रूट कैसे हटा, जैसे अगर मैं ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन तो क्या करते हो, 2 का स्क्वायर पावर 1 बाई 2, तो 2 पावर 2 इंटू 1 बाई 2, रूट का मतलब स्क्वायर 1 बाई 2, और 1 बाई 2 को मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो 2 ही आएगा ना, ये उसी तरह 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर अगर अंदर है तो रूट में दो बार मल्टीप्लाई में एक बार बाहर आ जाता है, तो 1 माइनस साइन थीटा पेयर बन के बाहर आ जाता है, नीचे क्या बचा, नीचे तो रूट रहेगा अभी और 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, बताइए देखिए क्या करें, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या बचेगा, कॉस थीटा, सही है आप, यह सही है ना, स्क्वायर से रूट कट गया, आप यहां आंसर छोड़ सकते हो, नंबर आपको फुल मैक्स मिलेगा, अगर आप चाहो तो ये अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हैं आप, देखिए एलसीएम लोगे तो फिर यही आ जाएगा, और 1/cos क्या होता है, sec थीटा
साइन कॉस कॉस क्या होता है टेन थीटा। तो आपको यहाँ क्वेश्चन बन सकता था प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये लेक्चर हो ये गया प्रूफ करो, बन सकता था। अब ये लेक्चर है, ये लेक्चर है, ये आ गया क्वेश्चन बन सकता था प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमको ये दो लाइन और सॉल्व करना पड़ता, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे, क्लियर है ये, ठीक है, समझते जाइए, बिल्कुल सिंपल है फॉर्मूला, थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ पे कौन सा यूज करना है बस। एक नेक्स्ट लास्ट देख लीजिए इसमें, प्रूफ दैट वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ क्वेश्चंस जहां से मुझे समझ में आ रहे हैं मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपको जहां टफ लगेगा बाद में पूछिएगा, ये मत सोचिएगा कि मतलब ये बता दिया ये वाला टफ है तो सबने नहीं बताया, आपको जहां प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये प्रूव करना है एलएचएस ही आरएचएस, क्या करोगे बताइए, कॉट में आंसर लाना है। पहले आपने ये समझ लिया भैया कि शॉर्ट में कैसे होगा, आप चाहते हो तो कॉट को लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन, टेन को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस। अगर प्रूविंग में साइन या कॉस होता तो हम ऐसे करते, कॉट को लिख देते साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन, इसको लिख देते साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन कॉस में हो जाता पूरा। लेकिन हम देखते हैं प्रूविंग में कॉट है तो साइन कॉस में क्यों करें, जबकि हमको पता है टेन का फॉर्मूला कॉट में होता है। एलएचएस क्या है आपका, वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये एलएचएस लाना आपको कॉट स्क्वायर थीटा है। तो आपको पता ना टेन का फॉर्मूला कॉट में क्या होता है, टेन और कॉट में क्या, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, टेन इक्वल टू वन अपॉन कॉट, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ध्यान उल्टा होता है। देखिए वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन को आप लिख सकते हो वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस। अच्छा नेक्स्ट स्टेप ऊपर आपका यही रहेगा वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे इन दोनों में देखिए एलसीएम है कॉट स्क्वायर थीटा, भाई यहाँ वन है ना वन, तो वन को वन अपॉन वन लिख सकते हो, तो एलसीएम क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया है क्या बचा वन, और वन का मल्टीप्लाई इसमें किया इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर है। वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नीचे वन अपॉन कॉट स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन वन था वन एलसीएम कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया इससे कट गया वन और यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है। देखिए ये भी किस फॉर्म में है, ये ऐसे लिखा हुआ है ए अपॉन बी अपॉन सी, ऐसे लिखा है ए अपॉन बी अपॉन सी, नीचे तो ये था ना ए अपॉन बी, मैंने इसको लिखा फिर ऐसे, तो फिर ये ऐसे है, ऐसे में क्या होता है ए अपॉन वन मान लेते हैं सी ऊपर चला जाता है बी मॉडल में वन हो जाता है, जानते हो ये आप। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा आपको ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कट गया आंसर क्या आया कॉट स्क्वायर थीटा, यही लाना था आपको आरएचएस, क्लियर है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ये मैंने लिए अभी तक, ये आप 10.4 के क्वेश्चंस देखिए एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं, और बुक यूज करिएगा एचएम लगाइएगा आरडी शर्मा लगाइए जो भी आपको यूज करना है, ठीक है, जिस पब्लिकेशन की बुक आप चाहो आप सॉल्व करो, फिर आपको जहाँ क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी आप पूछिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दे रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। देखिए इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद कुछ टफ क्वेश्चंस आपको जो आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा लॉन्ग क्वेश्चंस में जो आते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको मीडियम साइज के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मीडियम में जो होते हैं ज़्यादा बड़े तो है नहीं सर, तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका
इफ ए इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है, इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये दिया है दोनों, गिवन दैट है, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैसे करोगे, एक्स दिया है वाई दिया है, यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, पुट कर सकते हैं आप एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा। तो जो आपको फाइंड करना है वही लेके चलते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स की जगह आप रख सकते हो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई की जगह पे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये दोनों दिया हुआ था तो इसका हमने यूज किया, गिवन डेट करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ लिखिएगा गिवन डेट, ये दोनों अब सिर्फ जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैं उसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। एक्स की जगह रखा ए कॉस थीटा होल स्क्वायर, वाई की जगह बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये क्या आ रहा है बी स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। कॉमन क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन आपको क्या हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बचा है ना कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट क्या होता है वन होता है, आंसर क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मीडियम क्वेश्चंस, आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, क्लियर है। थैंक यू।